हाय गाइस, वेलकम टू एलपी ब्यूटी चैनल। आई एम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ हेयर वॉश करके अपना वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ। उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप शैम्पू मैंने जो भी यूज़ किया है और उसमें क्या मिला है सब कुछ बताया है। उससे अगर आपको रेगुलर इसको यूज करते हैं तो जो आपका हेयर फॉल होता है बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। कई बार आप परेशान हो जाते हैं और आपके बाल जैसे नीचे से झाड़ू की तरह नहीं रहते हैं, सॉफ्ट नहीं दिखते हैं। तो आप इसको यूज करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ और सिल्की बाल हो जाएंगे, शाइन भी बहुत ज़्यादा करने लगेगा और बाल मैनेजेबल दिखेंगे और आपका हेयर जो ग्रोथ होता है बहुत तेज़ी से होने लगेगा, बालों की लंबाई भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएगी। तो आप इसको ज़रूर यूज कीजिएगा और मैंने इसको खुद ट्राई किया है इसलिए आप लोग को बता रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे बाल सॉफ्ट स्मूथ सिल्की शाइनिंग करना है, बालों को बढ़ाना है। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपका हेयर से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ गाइज, आप लोग मुझे बॉब कट के लिए बोलते हैं तो उसमें शोल्डर तक लेंथ हो जाएगा, फिर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं ट्राई ज़रूर करूँगी और जब भी ट्राई करूँगी आप लोग को वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। और कुछ भी पूछना हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो शुरू करते हैं वीडियो। और एक और बात बतानी है, आप लोग मुझे इंस्टा पे, एफबी पे और स्नैपचैट सब पे फॉलो कर सकते हैं। जिस भी ऐप पे आप लोग हैं उस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए ताकि और भी अच्छी अच्छी टिप्स आप लोग के लिए लेकर आ सकूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पानी यहाँ पर गर्म हो चुका है, बहुत भाप निकल रहा है। अब मैं इसको ठंडे पानी में मिलाऊंगी और आप याद रखिएगा कभी भी गर्म पानी बालों के लिए नुकसान करता है, तो आप ठंडा पानी से ही बाल धोइए। अगर ना हो पाए तो गुनगुने पानी से धोइए या फिर ठंडा पानी में बाल्टी में धोइए। आपको सोचते हैं बाल्टी में क्या लगा, टेंट है और जो निकला नहीं है तो मैं उसमें ही पानी भर दिया। मैं यहाँ पर ग्लिसरीन दिखा रही हूँ आपको, बट वीडियो दिख नहीं रहा है ज़्यादा लाइट होने की वजह से। तो ये ग्लिसरीन है लेमन वाला, आपको कहीं भी मिल जाएगा किसी भी दुकान पे ये ग्लिसरीन। और इसको आप पहले पानी में थोड़ा सा ले ले रहे हैं, उसके बाद से मैं यहाँ पे शैम्पू डालूँगी। मैं यहाँ पे शैम्पू पतंजलि का यूज कर रही हूँ, मिल्क प्रोटीन शैम्पू है ये। इन दोनों को एक मग में ले लीजिए या फिर किसी भी कटोरी बाउल जो भी हो आपके पास उसमें लेके शैम्पू ग्लिसरीन दोनों को ले लीजिए। ग्लिसरीन आपको एक चम्मच तक लेना है और शैम्पू जितना आपका बाल का लेंथ हो, जितने में आपका बाल वॉश हो जाता हो उतना लेना है और पानी में डाल के दोनों को मिक्स कर लेना अच्छे से। उसके बाद से इसको अच्छे से मिलाने के बाद से जैसे मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ, अगर आप बाल ऊपर करके धो सकते हैं तो वो भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और मैं इस तरीके से वॉश करती हूँ तो इस तरीके से ऊपर या नीचे बाल करके धोने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके बालों की जड़ें कमज़ोर हैं तो वो झड़ेंगी ही, इसलिए आप ग्लिसरीन से बहुत अच्छा रहता है बाल, जड़ें बहुत जल्दी मजबूत होती हैं और बहुत फ़ायदा करता है ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। आपको इस तरीके से लगा लेना है, उसके बाद से हल्का हल्का मसाज करना है आपको सिर में। और ये देख सकते हैं आप मैं कैसे कर रही हूँ, आप खुद यूज करेंगे तो आपको पहले यूज से ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा इससे। और ये बहुत सस्ता भी मिल जाता है, 15-20 रुपये में मिल जाएगा किसी भी मार्केट पर, परचून की दुकान पर, कॉस्मेटिक जहाँ से भी आप ख़रीदते होंगे वहाँ पे भी मिल जाएगा, ये मेडिकल स्टोर पे भी मिल सकता है। ओके, अच्छे से मसाज कर लेना है, उसके बाद से आपको इसको थोड़ा सा और शैम्पू बचा है मैं उसको भी लगा ले रही हूँ। उसके बाद इसको 2 मिनट तक आप ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद आपको वॉश करना है, तुरंत ही आपको वॉश नहीं करना है। शैम्पू करने के बाद से शैम्पू को ऐसे ही बालों में 2 मिनट तक। ओके, अच्छे से आप वॉश कर लीजिए ताकि आपका शैम्पू अच्छे से बालों में से निकल जाना चाहिए। मैं यहाँ पे हल्का गुनगुना पानी का यूज कर रही हूँ, ज़्यादा तेज़ गर्म पानी बालों की जड़ों को कमज़ोर करता है तो ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा गर्म पानी से बालों को नहीं वॉश करना है। हल्का गुनगुना, ज़्यादा ठंडी पड़ रही है इस वजह से, नहीं तो ठंडा पानी से अगर आप वॉश कर सकते हैं तो अच्छा है। और ये ग्लिसरीन मिक्स करने से आपके बालों में डैंड्रफ की जो समस्या होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और हेयर फॉल, डैंड्रफ सब कुछ बालों की मतलब और समस्या का एक ही समाधान है ग्लिसरीन। इसको ज़रूर यूज कीजिए और आप यूज करेंगे तो आपको सच में फ़ायदा होगा और आपको पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे बालों को वॉश कर लीजिए, मैं अच्छे से निचोड़ ले रही हूँ और इसको अब मैं टॉवल की मदद से बालों को रैप करूँगी। बालों को कभी भी ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए,
ऐसे बांध के छोड़ देना चाहिए, हल्के हल्के से वॉश वो पोंछ लेना है बालों को। उसके बाद से ऐसे बालों को लपेट के छोड़ देना है इसी तरीके से। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो और समझ में आ गया हो। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने ये वॉश कैसे किया है और इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, किस तरीके से करना है। मैंने फुल वीडियो करके दिखाया हुआ है। तो ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी लोगों को बताइए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।